नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। सोमवार को राजधानी दिल्ली में एक मुलाकात से नए सियासी कयास लगने लगे। ये मुलाकात मॉलीवुड यानी मलयालम फिल्मों के सुपरस्टार मोहनलाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई। हालांकि एक औपचारिक मुलाकात थी, लेकिन राजनीतिक गलियारे में अब इस मुलाकात के कई मायने निकाले जाने लगे हैं। कहा जा रहा है कि केरल के लिए मोहनलाल नरेंद्र मोदी का ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं। डेक्कन हेराल्ड में छपी खबर के मुताबिक 2019 में बीजेपी का हाथ थाम सकते हैं और लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। सोमवार को मलयालम फिल्मों के सुपरस्टार मोहनलाल से मुलाकात के बाद मंगलवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा, कल मेरी मोहनलाल जी के साथ अच्छी बैठक हुई। उनकी विनम्रता प्रशंसनीय है। सामाजिक सेवा के क्षेत्र में व्यापक प्रयास सराहनीय है और बहुत प्रेरणादायी है। इस मुलाकात के बाद राजनीति के जानकारों का कहना है कि केरल में कमल खिलाने की कोशिशों के बीच मोहनलाल बीजेपी के लिए किसी ट्रम्प कार्ड से कम नहीं है। सियासी अटकलबाजियों की माने तो बीजेपी मोहनलाल को केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस के बड़े नेताओं में शुमार शशि थरूर के खिलाफ मैदान में उतार सकती है। थरूर 2009 से तिरुवनंतपुरम से लोकसभा सांसद हैं। मोदी और मोहनलाल की मुलाकात लोकसभा चुनाव से पहले केरल और दक्षिण इंडिया की राजनीति के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दक्षिण की राजनीति के जानकारों का कहना है कि अगर मोहनलाल बीजेपी में शामिल होते हैं तो इससे बीजेपी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। न सिर्फ बीजेपी बल्कि आरएसएस का भी मोहनलाल को पूरा समर्थन है। दरअसल केरल में लेफ्ट पार्टियों और कांग्रेस का दबदबा रहा है। यहां बीजेपी अपनी जड़ें तलाशने में जुटी हुई है और केरल में बीजेपी की जड़ें मजबूत करने के लिए मोहनलाल से बड़ा फिलहाल कोई नाम नहीं नजर आ रहा है। राजनीति के जानकारों की माने तो यही वजह है कि आरएसएस पिछले काफी वक्त से मोहनलाल को बीजेपी में शामिल करने की कोशिश में लगी हुई है। इन अटकलों के बीच मोदी और मोहनलाल की मुलाकात के बाद कई कयास लगाए जाने लगे हैं। कहा यहां तक जा रहा है कि तिरुवनंतपुरम की सीट से थरूर के खिलाफ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के राजशेखरन उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन मिजोरम का गवर्नर बनने के बाद मोहनलाल को उनके विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। सोमवार को हुई मुलाकात में मोहनलाल ने पीएम मोदी को कैंसर केयर सेंटर के बारे में जानकारी दी और उन्हें ग्लोबल मलयाली राउंड टेबल के लिए इन्वाइट भी किया।